हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं सुशांत गोल्ड सिटी अंसल में हूँ। ये सेक्टर एच है। और ये सामने आप जो देख रहे हैं गोल्फ कोर्स है बना हुआ। यहाँ पे कुछ प्लॉट्स हैं सेल के लिए जो ईस्ट फेसिंग प्लॉट्स हैं। बड़े प्लॉट्स हैं ये सब, 8000 स्क्वायर फिट के हैं, बड़े प्लॉट हैं। ऑलरेडी यहाँ पे पोजीशन है, कुछ हाउसेस बन रहे हैं। सामने की तरफ अगर आप देख पा रहे हैं वो मकान है, बन रहा है अभी। गोल्फ कोर्स भी आपको दिख ही रहा होगा। अगर सेक्टर एच में आपको प्लॉट चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। डिवाइडर रोड है ये, आप देख लीजिए। ये यहाँ आगे एक तिराहा पड़ता है, एक रोड इसमें लेफ्ट में जा रही है इस तरफ, और एक रोड राइट में जा रही है। राइट वाली रोड अभी बनी नहीं है बट बन जाएगी। यहाँ पे कुछ पहले इश्यूज थे बट वो क्लियर हो गए हैं। प्लॉट के रेट के लिए प्लीज़ कॉल करना होगा आपको, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, कॉल करिए, उस पर बात कीजिए। और भी कोई डिटेल्स जाननी है तो प्लीज़ व्हाट्सएप या कॉल पे बात कर सकते हैं। देखिए सीवर का काम हो चुका है, यहाँ पर सीवर लगा हुआ है, ये पूरा सीवर। ये प्लॉट है, आप ये देख रहे हैं सब प्लॉट है। अभी टेम्प्रेरी लोग आते जाते हैं यहाँ से, बट ये रास्ता नहीं है, रास्ता ये है सामने की तरफ। ये तिराहा है, एक रोड ये जा रही है और एक ये रास्ता है। देखिए सीवर का काम हो रखा है, सामने प्लॉट है जिसकी बाउंड्री कर रखी है किसी ने। यहाँ पे पोजीशन हो चुका है, काफ़ी अच्छा प्लॉट है। ये रोड जा रही है, जो रोड बननी है माइट भी साल भर के अंदर बन जाए, बट यहाँ तक पोजीशन हो चुका है। और जो मैं प्लॉट बता रहा हूँ ये सामने की तरफ सारे प्लॉट हैं, ईस्ट फेसिंग प्लॉट हैं। और ये रोड सीधे गोल्फ क्लब जाती है, यहाँ पर सामने जो गोल्फ कोर्स का क्लब बना हुआ है वहाँ पर जाता है। शान गोल्ड सिटी अंसल में काफ़ी अच्छा, ये इन्वेस्टमेंट भी अच्छा है और रहने के लिए भी काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी है। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ से प्लॉट्स हैं, जो भी प्लॉट्स हैं इस तरफ हैं, आगे तक है, पीछे भी देखिए काफ़ी डेवलपमेंट हो चुका है। और ईस्ट फेसिंग है, ये देखिए अभी सनसेट का टाइम है और ये फेसिंग है प्लॉट की। थैंक्स फॉर वॉचिंग, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। Thank you so much. Namaskar.